लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक लड़के और खूबसूरत लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस जोड़ी को लेकर यूजर्स तरह तरह के पोस्ट और कमेंट कर मजाक उड़ा रहे हैं। फोटो में दिख रहा शख्स देखने में बेशक साधारण सा है, लेकिन इसके लुक पर मत जाइए, क्योंकि ये कोई आम नहीं बल्कि खास हस्ती है। दरअसल यह तस्वीर तमिल फिल्मों के डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर एटली कुमार की है। 21 सितंबर 1986 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे एटली का पूरा नाम अरुण कुमार है। 2013 में एटली कुमार ने राजा रानी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। राजा रानी ने साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्तों के भीतर 500 मिलियन से अधिक कमाई के बाद बड़ी सफलता हासिल की थी। इसके बाद उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए विजय अवार्ड भी मिला था। एटली कुमार ने मशहूर डायरेक्टर एस शंकर के अंडर में 5 साल तक काम किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार ने अपनी अगली फिल्म मैन बन में उनके साथ काम करना जारी रखा, जो हिंदी फिल्म 3 इडियट्स की रीमेक थी। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस एप्पल प्रोडक्शन शुरू किया और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के साथ अपनी पहली फिल्म सांगली बंगली कैड हवथोरी बनाई। करीब 8 साल की रिलेशनशिप के बाद एटली और कृष्णा प्रिया शादी के बंधन में बंध गए। 2014 में हुई इस प्रेमी जोड़े की शादी में साउथ इंडिया की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। कृष्णा प्रिया मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं और कई सीरियल्स में मुख्य भूमिका अदा कर चुकी हैं। इसके अलावा वे साउथ की सुपरहिट फिल्म सिंघम में दिव्या महालिंगम के कैरेक्टर में नजर आ चुकी हैं। इससे पहले बांग्लादेशी सुपरस्टार अलोम उर्फ अशरफुल आलम सईद की तस्वीर वायरल हुई थी। बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो की पर्सनालिटी से हटकर दिखने वाले अलोम का सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी मजाक उड़ाया था। वे साधारण कदकाठी, पतले शरीर और सांवले रंग के दिखते हैं। हालांकि भारत के कम ही लोग अलोम को जानते हैं, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर भी अलोम के फैन हैं और लड़कियां उनके साथ फोटो लेने के लिए दीवानी रहती हैं। क्रिकेट टीम के प्लेयर भी अलोम के फैन हैं और